जी बिल्कुल। देखिए समीर, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सिंधु बॉर्डर पर यही वो रूम है। इसी बंद कमरे के अंदर इस वक्त 40 से ज्यादा किसान मोर्चों की आपस में एक संयुक्त बैठक चल रही है। दरअसल जो सरकार का प्रपोजल है, जो संशोधन प्रस्ताव सरकार की तरफ से है, उस पर यहाँ पर अभी चर्चा की जा रही है। कुछ किसान नेताओं से हमारी बात हुई अब थोड़ी देर पहले, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि प्रस्ताव अभी आया है, उस पर चर्चा की जा रही है। 40 से ज्यादा किसान नेता इस वक्त इस बंद कमरे के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। खुद अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत पहुंचे हैं, मेधा पाटकर भी यहां पर पहुंची हैं, इसके अलावा जो सिरसा है वो भी यहां पर मौजूद है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुरजीत सिंह है वो भी यहां पर मौजूद, जितने भी बड़े किसान नेता हैं सब इस वक्त मंथन कर रहे हैं। देख, ये जांचने की कोशिश की जा रही है इस मीटिंग के अंदर कि जो सरकार का प्रपोजल है, जो संशोधन प्रस्ताव है, क्या वो किसानों के पक्ष में है या नहीं, और जो उनकी डिमांड्स थी क्या वो सभी डिमांड मान ली गई है। हालांकि कुछ नेताओं से हमारी बात हुई, किसान नेताओं से, उनका साफ तौर पर एक ही, उनकी एक सीधी लाइन थी कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक मानेंगे नहीं। और खबर ये भी आ रही है समीर के इस मंथन के बाद, इस बैठक के बाद किसानों की आपस में जो बैठक हो रही है, कल 11 बजे एक बार फिर विज्ञान भवन में किसान और सरकार की भी बैठक हो सकती है। तो फिलहाल इस बंद कमरे के अंदर सरकार का जो प्रपोजल अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचा, उस पर मंथन कर रहे हैं तमाम किसान नेता जी। बिल्कुल। और जितेंद्र, देखिए ये बड़ी बात है, बड़ा सकारात्मक रुख जो है वो अभी फिलहाल सरकार का नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ना सिर्फ एमएसपी सुनिश्चित करने की बात कर रही है, एपीएमसी मंडियों को और सशक्त करने की बात कर रही है, बल्कि किसानों की एक जो बड़ी डिमांड थी कि भाई अगर विवाद हो जाता है तो निपटारा हम एसडीएम कोर्ट में नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि सिविल कोर्ट में ही निपटारा हो, उसको भी सरकार ने मान लिया है। तो इस पर रुख क्या है किसानों का? जी बिल्कुल। देखिए किसान नेताओं से हमारी बात हुई, चाहे एमएसपी को लेकर हो, जो सरकार ने लिखित आश्वासन देने की बात कही है, चाहे जो अगर विवाद होता है तो एसडीएम की जगह सिविल कोर्ट में ही उसका सुलझेगा, चाहे पराली को लेकर हो, इसके अलावा जितनी भी तमाम बातें किसानों की तरफ से रखी गई थी, चाहे बिजली को लेकर हो, उन तमाम मांगों पर सरकार अब एग्री हो चुकी है। सरकार ने अपना प्रपोजल बनाकर किसान नेताओं के पास भेजा है, लेकिन किसान नेताओं को ये कहना है कि जो तीनों कृषि कानून है इसके अलावा भी उसमें काफी खामियां हैं, तो हम मंथन करेंगे अगर तमाम किसान नेताओं को ये लगता है, यानी कि अगर एक आवाज में एक सुर में सभी तैयार होते तो ठीक, वरना आंदोलन हमारा आगे जारी रहेगा। ठीक है जितेंद्र, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, अभी भी कुछ शंकाएं हैं और उन्हीं शंकाओं का मुमकिन है कि समाधान निकालने की कोशिश इस वक्त आपके पीछे जो मीटिंग चल रही है बंद कमरे में किसानों के 40 नेताओं की, उसमें निकल पाए। हमारे साथ विवेक शर्मा इस वक्त मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर से। विवेक, वहां पर किसानों का रुख क्या नजर आ रहा है? सरकार की तरफ से ये जो प्रस्ताव भेजा गया है इसमें बहुत सारी डिमांड्स को ना सिर्फ एड्रेस किया गया है बल्कि उन्हें माना गया है। तो सारी डिस्कशन इनकंक्लूसिव रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा? अब क्या होगा, ये किसान वापसी नहीं जाएगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। अब मांग का सवाल कम रहेगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। सरकार बिल वापसी नहीं लेने की मतलब तानाशाही होगी। अगर सरकार भी अटधर्मित है भाई, किसान की भी अठे, सरकार की भी, अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। तैयार है उसमें करना चाहते हैं अमेंडमेंट, लेकिन आप नहीं मानते। क्यों करें अमेंडमेंट? किसी हकीम ने बताया था उन्होंने कि ये बिल लेकर आएंगे और किसान साहब पूछोगे नहीं अमेंडमेंट के लिए, आपको लगता है नहीं 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 करेंगे अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल वापसी लेना पड़ेगा। आपको संशोधन प्रस्ताव मिला नहीं? अभी देखेंगे, बात करेंगे, जो कमेटी है उनसे बात करेंगे। संशोधन भेजा है उसमें मंडियों वाली बात है, अरे उन्होंने सारी चीज कर ली, ये बिल वापसी ले लो, आगे की बातचीत भी जब भी होगी, बिल वापसी बिना काम नहीं चलेगा। या जनता आ गई, ये किसान के सवाल है, किसान का सवाल है। अभी करेंगे बात करेंगे, अभी आए हैं, अभी बात करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, करेंगे रिजेक्ट करेंगे। अरे हो जाएगी बात, नीति तो है हमारी आगे ना, यहाँ पे नीति है हमारी आगे ना, यहाँ पे किसान मोर्चा होंगे सर, ये पूरे देश के किसानों का सवाल है सर, अकेले का नहीं, पूरे देश का सवाल है सर। अभी आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति तो है, आगे यहाँ पे यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।